हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बढ़िया हैं होंगे। हम भी बढ़िया हैं और शाम के बज गए हैं 5:30 और अब मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है। और आज मैंने रखा है रोजा और बाबू आज कहाँ से ढूंढ के निकाल के लाया है खेलने के लिए। बबल्स वाला बन गया इसका गाज क्या बाबू? क्या गाज बन गया क्या इसका गाज? अरे यही बब्बल तुम कह नहीं रहते मम्मी शैम्पू दो और वो दो। कभी कभी बना था, एक बार बना था ना वो बताओ नीचे से चिपक गया था। अच्छा वो गया लेकिन अब नहीं बन रहा। बता फुला पता नहीं किससे बनता है ये, पता नहीं क्या डाल के देते हैं, सारा खत्म हो गया है। और मेरी बेटी यहाँ पर पढ़ाई कर रही है, बाबू पढ़ाई कर चुका है अब खेल रहा है। जो याद कर रही हिंदी का, और जोया को पता है हिंदी से बहुत एलर्जी है, हिंदी का जल्दी याद नहीं होता है जोया को। मुझे भी हिंदी से एलर्जी है। तुम्हें भी एलर्जी है हिंदी से? क्यों? इंग्लिश कर लेता है। हाँ बाबू भी इंग्लिश का, मैथ का, ईवीएस का, साइंस सब कुछ कर लेता है, लेकिन बाबू को अभी हिंदी से एलर्जी क्योंकि इन लोगों को वर्ड लिखना नहीं आते। क्या कहाँ फूला है बेटा? नहीं फूलेगा बेटा, रख दो, पता नहीं क्या होता है उसके। मुझे पता है फूल सकता है, मुझे ये वाला पूरा पार्ट चाहिए, ये वाला निशान। कौन सा पार्ट चाहिए? ये वाला, ये जो पानी ये वाला है, ये नहीं चाहिए। तो गाज ऊपर हो गया ना उसका झाग। देखो झाग झाग नहीं चाहिए मुझे। नहीं फूलेगा, नहीं फूलेगा, झाग से नहीं फूलता, पहले फूल रहा था। क्या कर रहे हैं अनु? हाँ क्यों डांस कर रहे हो? ये क्या रख रहे हो इसके अंदर? क्या कर रहे थे? सच सच बताओ, सच बता। क्रीम लगा रहा था। कौन सी क्रीम लगाई? हनी आलमंड। वो क्या गर्मी में लगाने की चीज है? पूरा पसीना पसीना अभी से देख, पसीना हो गया। सर्दियों में लगाते हैं वो, और लगाए क्यों? तुम तो कभी लगाते नहीं, लगा क्यों रहे हो फिर? हाँ और इसे कब होता है? मुंह ऐसे क्यों बनाए हो? चलो मुंह धो के आ पहले साबुन से। सुन रहे हो मेरी बात? पागलपंती मत करो यानू। तो गाइस अभी मम्मी इधर लहसुन छील, मतलब लहसुन पीस रही है ना मम्मा? चटनी पीस रही हूँ बेटा। चटनी? ओह पहले मम्मा लहसुन पीस रही थी, मम्मा चटनी पीस रही है। अरे वही चटनी पीस रही थी, दही फुल की बनाऊंगी ना। ओ तो लहसुन क्यों था? हाँ तो दोनों चीज मिक्स है ना, लहसुन वो लहसुन है और वो है लाल मिर्च। दही फुल्की बनाने के लिए यहाँ मैंने दही फुल्की का बैटर तैयार कर लिया है, और यहाँ पर मैंने दही को पतला पतला घोल लिया है। अब यहाँ पर मेरे एक साइड तेल भी गर्म हो रखा है, और मैं यहाँ पर पकौड़े डालूँगी। और मैं यहाँ सरसों के तेल में बना रही हूँ। यहाँ मेरे पकौड़े बन के रेडी हो गए हैं, सबको निकाल लूँगी मैं। यहाँ कुछ पकौड़ों को क्या है मैं पकौड़ी में भी यूज़ कर लूँगी और दही फुल्की में भी यूज़ कर लूँगी। थोड़ा नहीं ज़रा ही सा बना रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है, मैं और इसके पापा ही खाएंगे, दो कटोरी बस हो जाए। कम कर लूँगी मैं, इसी में छौंक लगा दूँगी ऐसा है। और इसमें डालूँगी मैं जीरा, हिलाना वजन। अब इसी में डाल दूँगी मैं प्याज, आप देख सकते हैं प्याज मेरी लाल हो गई है। और इसी जगह पर अभी जो मैंने चटनी पीसी थी वो डाल देना है, अब इसको भून लेना है। देखिए चटनी भुन गई है, अब इसको बंद कर देना है गैस को,
अब मैंने जो दही ली थी ना, अब इसको इसी में डाल दूंगी ठंडा हो जाने के बाद। थोड़ा मैं डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और जो मैंने पकोड़े बनाए हैं वो डाल दूंगी इसमें, और थोड़े पकोड़े मैं रख लूंगी। आप देख सकते हैं ये हमारे दही पकोड़े बन के रेडी हो गए हैं, और यहाँ थोड़ी सी पकौड़ी है रोजा खोलने के लिए। क्या नहीं मिला तो ये छुआरे हैं, तो खजूर मुझे मिला नहीं तो मैंने इसी पे ही फातिया भी लगा दी थी, इसी से रोजा खोलना होता है तो मैं थोड़े पे ही फातिया लगाती हूँ, ज़्यादा पे नहीं, क्योंकि कोई खाता ही नहीं है, मैं ही खाती हूँ, और कभी इनके पापा बच्चे तो मीठा छूते नहीं हैं। ले आ दूध सुनो, मेरे बाबू हो प्यारू सा, दूध ले आया। ये एक लो, तुम ये रखो, खालो एक, तीखा नहीं है, खालो पकौड़ी, टेस्टी है। ब्लैक ला रहे सोनू, और सब्जी बिल्कुल नहीं खाई ना तुमने, तूने भी नहीं खाई होगी सब्जी, क्यों नहीं खाई, क्या लेके जाओगे बताओ ऐसा लंच में, मैं रोज तो आलू के पराठे लेकर आती हूं। हां उत्ता ही क्या कर। और यहाँ पर मैं बालकनी में बैठी हुई हूँ, और रोजा कब खुलेगा उसका वेट कर रही हूँ, टाइम होने ही वाला है थोड़ी देर में, और मेरा बन भी गया है, मैंने दही फुल्की बनाई है, थोड़ी सी पकौड़ी है, और क्या वो था उसका नाम, छुआरे लिए हैं, बस यही है। अगर दो चार लोग होते हैं रोज़ा रखते हैं तो क्या होता है, कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी बनाई जाती हैं, अब मैं अकेली हूँ और मैं अकेले तो इतना नहीं बनाऊँगी अकेले खाने के लिए, तो इसलिए मैंने बस थोड़ा ही सा बनाया हुआ है, थोड़ा सा, और वीडियो को आसो तुम्हारी नौटंकी खत्म नहीं हो रही है ना, ना ये गंदी बोतल होगी यार, मैंने साफ करा है, ना 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 ये पानी नहीं पीना बिल्कुल भी, ये ना ना बहुत हो गई नौटंकी, ये गंदी है, हाँ सब गंदगी है, पानी नहीं पीते, इस पे स्प्रे करने का है ना, पानी मत पीना बिल्कुल। और एक दिन उन्होंने पी लिया था, क्यों पिया था, अपी ने बोला था, मैंने तो बोला नहीं था, मम्मी देखो क्या हो गया। तो फ्रेंड्स हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और नयानू की तो नौटंकी खत्म होने वाली है नहीं आज, क्यों करूँ स्प्रे, दवा तो मैं दवा दूँ, बंद दवा फोन पे नहीं आना जाना चाहिए, अच्छा बहुत अच्छा लगता है ना, हाँ ठंडा सा आता है, ओह ना क्यों ठंडा सा क्या, वाओ मेरे को मुंह पे आ रहा है बाबू, आप गाइस को नहीं दिख रहा होगा ना, गाइस को नहीं दिख रहा है, हाँ ये वाले रखते हैं ना पानी में, हाँ गाइस को नहीं दिख रहा, लेकिन हम सबको दिख, आयानू की तो ऐसे नौटंकी चलती रहेगी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, बाय, तब तक के लिए बाय बाय, आयानू ये मत करो यार, बाय करो, बाय, हाँ और कुछ बोलना चाहते हो, मैं गर्मी से तैर हो गया, गर्मी के पानी गर्मी अब मैं इधर मैल निकलेगा, मैल निकलेगा, मैं आपको मैल से चिपट रहा है, हाँ यार वही तो गर्मी हो रही है, चलो वीडियो का एंड करो, आप भी कभी गर्मी से बंदा हिला देता हो, नहीं आप भी किधर कुछ लगा हुआ है ना गाइस, तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं, ओह लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, आप मुंह में पूरा पसीना निकलेगा, पसीना नहीं होता मेरा आज, मुंह बहुत ज्यादा वैसा हो रहा है ना डलडल, आंखें भी एकदम धस गई हैं, ऐसे एक रोजे में ऐसा लग रहा है, अलग खराब हो गई, आनो मुझे स्प्रे कर रहा, बचाओ मुझे, अब आया टीचर मॉन्स्टर, अरे बाप जो कर देगा सबको स्प्रे करके, तुम वीडियो एंड करने दोगे कि नहीं दोगे बताओ, अरे स्प्रे तो दिखाई दिए बाबू, हाँ।
कर दो बाबू, बहुत हो गई। हाँ, बहुत सारी वीडियो बन गई। बाय बाय। स्प्रे करके बाय करनी। 3 2 1